हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। गिट्टीगदान पुलिस स्टेशन के हद में पेटिया करीब 6 बजे दो दुकानों के शटर फोड़कर सामान सहित नकदी चुराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज करते ही 24 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किया लैपटॉप सहित 2500 रुपये नकदी बरामद किए है। चोरी का पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हुआ है। जानकारी मिली है कि फिरियादी सेंसिल एंथोनी ने गिट्टी खदान परिसर में स्थित उनका ऑफिस बंद करके घर चले गए, जिसके बाद उसी रात के पैटिया कुछ अज्ञात आरोपियों ने उनके ऑफिस से लैपटॉप सहित 42,000 का माल चोरी कर दिया। साथ ही उनके बाजू के फास्ट फूड की दुकान को फोड़कर वहां से 12,000 का सामान चुरा लिया गया। घटना के बाद फिरियादी ने गिट्टी खदान पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सिविल लाइन निवासी 21 वर्षीय आरोपी अजय सारवन, गिट्टी खदान निवासी राहुल पंचेश्वर गौरव उर्फ माया वाहने को गिरफ्तार कर लिया है। 30 तारखेला रात्री 10:30 दरम्यान सेरिस एंथोनी नामक एक व्यक्ति आहे, त्यांचा उत्कर्ष नगर मध्ये एक ऑफिस आहे। त्या ऑफिसला आपला ताला लावून घरी गेले होते आणि सकाळी 20 तारखेला सकाळी 6:50 आसपास त्यांना माहिती पडले की त्यांच्या ऑफिसचा ताला कोणीतरी तोडलेला आहे। आम्ही त्या ठिकाणी गेलो आणि त्याची माहिती घेतली असता त्यांच्या बाजूचं फास्ट फूडचं दुकान पण फोडलेलं होतं। याबाबत पोलीस स्टेशनचे डीबी स्टाफ पैकी पोलीस हवालदार बलजीत आणि त्यांच्या टीमने याची पूर्ण माहिती घेऊन सीसीटीव्ही फुटेज चेक करून आरोपींचा शोध घेतला। यामध्ये एकूण 3 आरोपी अटक करून त्यांच्याकडून गुन्ह्यातील जो मुद्देमाल आहे त्यापैकी 1 लॅपटॉप आणि 2500 रुपये कॅश अद्यापपर्यंत जप्त केलेले आहेत। बाकी तपास सुरू आहे। त्यामध्ये 3 आरोपी आहेत, एक अजय सारवन आहे, राहुल पंचेश्वर आणि गौरव वाहने, अशा 3 आरोपींना अटक केलेली आहे। राहुल पंचेश्वर आहे जो रेकॉर्डवरचा आरोपी आहे घरपोडीमधला, बाकी इतरांच्या बद्दल अजून काही रेकॉर्ड मिळालेले नाही। शहर में ऐसे ही छोटे मोटे अपराधी जन्म ले रहे हैं। पहले यह छोटी मोटी चोरियां करते हैं, फिर अपराध की दुनिया में प्रवेश कर बड़े गुंडे बनने के चक्कर में हत्या लूट जैसे अपराध करते हैं। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस ने इन नवनिर्मित अपराधियों के पहले ही पंख काट देने चाहिए, तभी अपराध को लगाम लग पाएगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश श्रृंखलवार की रिपोर्ट।